पाकिस्तान के इन बहादुर नौजवानों का, यूथ मोबिलाइजेशन का, कौमी हिदमत का, और यही जज्बा था मैं समझता हूँ टाइगर फोर्स के नौजवानों ने के बगैर मुआवजे के, बगैर तनख्वाह के, बगैर किसी लालच के घंटों दिनों इन्होंने कोरोना पेंडेमिक में काम किया। जिस तरह से पाकिस्तान को कोरोना पेंडेमिक में मुश्किलात का सामना था, चैलेंजेस का सामना था, इसी तरह माहौलियाती तब्दीलियों में, मौसमियाती तब्दीलियों में पाकिस्तान को चैलेंजेस का सामना है। आज पाकिस्तान दुनिया के 10 गर्म ममालिक में है, इन चैलेंजेस का सामना, और यही इंशाल्लाह ताला वजीर आजम इमरान खान साहब समझते हैं कि पाकिस्तान के ये बहादुर नौजवान, यही टाइगर फोर्स 10 बिलियन ट्री में अपना कलीदी किरदार अदा करेगी। पूरी कौम ने देखा, पूरी दुनिया ने सराहा गया 1 बिलियन ट्री सुनामी जो हमने सुबह हैदर पख्तूनख्वा में कामयाबी से इंप्लीमेंट किया। इसी तरह 10 बिलियन ट्री के ऊपर वजीर आजम इमरान खान साहब इंशाअल्लाह ताला कल टाइगर फोर्स के साथ मिलकर इस्लामाबाद में पौधे लगाएंगे। इसी तरह चीफ मिनिस्टर पंजाब हमारे उस्मान बुजदार साहब वो लाहौर में टाइगर फोर्स के साथ मिलकर पौधे लगाएंगे। चीफ मिनिस्टर हैबर पख्तूनख्वा महमूद खान साहब पिशावर में टाइगर फोर्स के साथ मिलकर पौधे लगाएंगे। गवर्नर पंजाब हमारे जो इस सदर साहब लाहौर में शादरा में टाइगर फोर्स के साथ मिलकर पौधे लगाएंगे। इसी तरह गवर्नर हैबर पख्तूनख्वा पिशावर में पौधा लगाएंगे। गवर्नर सिंह इमरान इस्माइल साहब टाइगर फोर्स के साथ मिलकर कराची में पौधे लगाएंगे। जीबी के गवर्नर इंशाल्लाह ताला टाइगर फोर्स के साथ मिलकर पौधे लगाने जा रहे हैं। एजे के में टाइगर फोर्स के साथ मिलकर बिशर सुल्तान पौधे लगाने जा रहे हैं। इसी तरह बलोचिस्तान में चीफ सेक्रेटरी हैबर पख्तूनख्वा एबटाबाद मानसरा में इंशाल्लाह ताला टाइगर फोर्स के साथ मिलकर पौधे लगाएंगे। चीफ सेक्रेटरी पंजाब इंशाल्लाह ताला लाहौर में कल टाइगर फोर्स के साथ मिलकर पौधे लगाएंगे। हमारे तमाम सूबाई और वफाकी वज़रा अपने अपने हल्कों में कल इंशाल्लाह ताला टाइगर फोर्स के साथ मिलकर शजरकारी करेंगे। टाइगर फोर्स ऐप में, टाइगर फोर्स ऐप में खास तौर पर ग्रीन सेल्फी रखी गई है। इस ग्रीन सेल्फी का मकसद है नौजवान पौधा लगाएंगे, उसके साथ सेल्फी लेंगे, वो सेल्फी वो अपलोड करेंगे सिस्टम से टाइगर फोर्स ऐप में, और इंशाल्लाह ताला हमारी डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया उसे वेबसाइट पे लेके आएगी। ये हम एक मौका दे रहे हैं ग्रीन सेल्फी से पाकिस्तान के नौजवानों का कि वो इस तहरीक का हिस्सा बने। लेकिन मैं आज खास पैगाम, जो मेरा दूसरा मकसद था आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का, मीडिया की वसातत से पैगाम देने का, पहला मकसद तो था आपको बताना कि कल टाइगर फोर्स डे पे टाइगर्स क्या करने जा रहे हैं, और दूसरा मैं पैगाम देना चाहता हूं पाकिस्तान की अपोजिशन को, आप आए आगे बढ़े, अपने सियासी पॉलिटिकल डिफरेंसेस एक तरफ रखें, आए मिलकर पाकिस्तान को सरसब्ज करते हैं, कल मिलकर यकजहती का पैगाम देते हैं। मैं शुभाशी साहब को दावत देता हूं, मैं बिलावल जरदारी साहब को दावत देता हूं, मेरा ताल्लुक सियालकोट से है, मैं ख्वाजा आसिफ साहब को दावत देता हूं, आए मिलकर सियालकोट में पौधा लगाते हैं, मिलकर पाकिस्तान को खुशहाल और सशक्त करने की तरफ कदम बढ़ाते हैं, एक यकजहती का पैगाम मिलकर पूरी कौम को देते हैं। सिंध में बारहा बार मैं चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब को दावत दे चुका हूं, 1,54,000 सिंध के नौजवान आज भी मुंतजर हैं सिंध हुकूमत के साथ मिलकर काम करने के लिए, अभी तक कोई मुस्बत जवाब नहीं आया। मैं समझता हूं इससे जबरदस्त इकदाम क्या हो सकता है, सिंध के बेशतर मुकामात वीरान पड़े हैं, कराची को सरसब्ज करने की जरूरत है। मैं वजीर आला मुराद अली शाह साहब को दावत देता हूं, आए मिलकर सिंध को सरसब्ज करते हैं, आए मिलकर कराची को सरसब्ज करते हैं। मैं मुंतजर रहूंगा आप लोगों का, और कौन भी देखेगी कल कौन कौन सा अपोजिशन रहनुमा टाइगर फोर्स के साथ मिलकर शजरकारी करता है। और बहुत से अपोजिशन रहनुमा ये कहते थे जी कि ये हिटलर फोर्स है, शायद वजीर आजम इमरान खान साहब इनके साथ मिलकर
मिसाइल की लूटमार करना चाहते हैं। और अब पूरी कौम ने देखा गुज़श्ता 4-5 माह में यही टाइगर फोर्स एक जज्बे के साथ काम कर रही थी। मैं समझता हूं जब ये अपोजिशन के रहनुमा बाहर निकलेंगे, टाइगर फोर्स को सपोर्ट करेंगे, हमारे बहादुर नौजवानों को अप्रिशिएट करेंगे, उनका मोरल हाई करेंगे, यही बहादुर नौजवान इंशाल्लाह ताला इस पाकिस्तान को आगे लेके जाएंगे। यही टाइगर फोर्स में से आप देखेंगे बहादुर नौजवान मुस्तकबिल के लीडर्स बनेंगे। इन्हीं नौजवानों को अप्रिशिएट करने के लिए मैं उम्मीद करता हूं हमारी अपोजिशन बाहर आएगी। और ऐसे इकबाल साहब, मैं अक्सर देखता था मीडिया पर कहते थे कि टाइगर फोर्स नजर नहीं आ रही, मैं इन्हें दावत देता हूं कि इंशाल्लाह ताला कल इनको कराची से लेकर वजीरस्तान तक और चित्राल से लेकर ग्वालियर तक टाइगर फोर्स डे पे टाइगर फोर्स काम करती पौधे लगाती नजर आएगी। मुंतजर होगी पाकिस्तानी कौम और हम कि कौन कौन सा अपोजिशन रहनुमा आगे बढ़ता है और पाकिस्तान को सरसब्ज करने में अपना किरदार अदा करता है। ऑपरेशन का टीम है टाइगर फोर्स को काम लेने के लिए, इसके लिए ऐसी वर्दियों की देखिए, ये जो मैंने जैकेट पहन रखी है ये मैंने खुद से बनवाई है। बहुत सारे इलाकों में पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले शहरी मौजूद हैं, फिल्म थ्रॉपिस मौजूद हैं, वो अपनी मदद आपके तहत कोई टोपियां लेकर दे रहा है टाइगर फोर्स को, कोई मास्क बनवा के दे रहा है। मैंने खुद से अपनी जाती जेब से 3 से 4 हजार जैकेट्स बनवाई हैं, 40-50 हजार मास्क बनवाए थे खुद से अपने पैसों से। तो मैं ये समझता हूँ जो दर्द रखते हैं नौजवानों का, जिन्होंने टाइगर फोर्स बनाई, बेरोजगारों को सड़कों पर रोल रहे हैं, मुफ्त में आप इनको यतीमों का बच्चा समझते हैं, देखिए टोपी भी नहीं देते, जैकेट भी नहीं देते, तनखा भी नहीं देते, साइकिल भी नहीं देते, ये मतलब मैं समझता हूँ यही तो जज्बा है नौजवानों का। किसी फसल में सुनते नहीं सवाल, सवाल मेरे भैया आपने किया था ऐसा रखे जो आपने लिया ना छुट्टियां मिल रही होंगे क्यों नहीं भेज रहे हैं आपको। वहाँ अपने खसूसी बराए उम्र नौजवान उस्मान डार लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा शजरकारी के हवाले से टाइगर फोर्स डे के मौके पर तारीख रकम की जाएगी। टाइगर फोर्स के नौजवानों ने बड़ी बहादुरी के साथ कोरोना वबा में अपना किरदार अदा किया। वो रजाकार जो खुद को टाइगर फोर्स का हिस्सा बनाना चाहते हैं वो टाइगर फोर्स की एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हुए खुद को रजिस्टर करवा सकते हैं। पंजाब में 12 लाख से ज्यादा दरख्त लगाने का हदफ रखा गया है। उन्होंने कहा कि इस मौके पर नौजवान ग्रीन सेल्फी मुहिम का हिस्सा भी बनाएं और अपोजिशन को भी दावा देते हैं कि आए मिलकर शजरकारी मुहिम को कामयाब बनाएं। पीटीवी न्यूज से ये थी ताजा तरीन।